एक बार फिर से रुक कर लेते हैं मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी का, जो इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से लाइव है। संजय, अभी भी मुलाकात मेरे ख्याल से राज्यपाल के साथ चल रही है, फिल्म के निर्देशकों की भी और एक्टर्स की भी। बिल्कुल, देखिए प्रमुख जो उसमें लोग हैं जो मिलने गए हैं राज्यपाल से, उनमें अनुपम खेर शामिल हैं, इसके अलावा विवेक अग्निहोत्री हैं, पल्लवी जोशी हैं, फिल्म के डायरेक्टर हैं। ये जो कोर टीम है इस फिल्म की, वो मिलने गई है। और जैसा मैंने बताया प्रीति कि 4 बजे से लेकर के 20 मिनट का टाइम रिजर्व किया गया है इस टीम से मुलाकात का। तो इस वक्त भी मीटिंग चल रही है। मैं अपने कैमरामैन राजेश पांडे से कहूँगा कि राजभवन के भीतर की तस्वीरें दिखाएं। अभी थोड़ी ही देर पहले ये पूरी टीम यहाँ से रवाना हुई थी और सारे के सारे लोग भीतर मौजूद हैं। चूंकि 20 मिनट का वक्त है और अभी 4:05 हुआ है, तो मान के चलिए कि 5 मिनट की मुलाकात हुई है, चर्चा शुरू हो गई है। जैसा कि हमारे राजभवन के सूत्र भी बता रहे थे कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ उनकी मुलाकात हो रही है, बातचीत चल रही है। जो कहने आए हैं, जो बताने आए हैं, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। और मान के चले कि 20 मिनट तक बातचीत होगी, धन्यवाद देंगे। चूंकि जैसा कि विवेक अग्निहोत्री अनुपम कह रहे थे कि हालिया जो जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में, उस जीत को लेकर के बधाई देंगे और साथ ही साथ जो टैक्स फ्री किया गया है उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को, उसको लेकर बातचीत भी करेंगे। जी संजय, तो एक तरह से अनुपम खेर ने ये साफ किया कि कोई एजेंडा तो बड़ा नहीं है इस मुलाकात के लिए, कर्टसी कॉल है। क्योंकि जहां उत्तर प्रदेश में इस फिल्म को पहले ही टैक्स फ्री कर दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ जो सियासी घमासान भी चल रहा है इस फिल्म के आसपास, उससे भी अनछुए नहीं है फिल्म के जो भी टीम है पूरी, तो उससे भी जुड़ी हुई क्या कोई चर्चा हो सकती है? क्योंकि देखिए, कांग्रेस के नेता कुछ अलग तरह के भाषण दे रहे हैं कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग राय रखते हैं। देखिए, भाजपा के जितने भी भाजपा शासित राज्य हैं, उन लगभग सभी राज्यों में इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया है और सभी एक सुर में ये बात कह रहे हैं कि निश्चित रूप से जो फिल्म है, ये कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों के दर्द को सामने रखने वाली एक फिल्म है, एक स्टोरी है, जिसमें विस्तार से बताया गया है कि आखिरकार इस फिल्म में किस तरह से आतंकवाद का कश्मीरी पंडितों ने सामना किया है और क्या दुख दर्द झेला है। और आज जब ये मुलाकात होनी है, तो जैसा कि पहले भी आपने प्रीति देखा होगा, जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय नेतृत्व है, उसने लगातार इस फिल्म की सराहना की है और ये भी कहा कि नहीं, ये फिल्म देखने योग्य है। कई सारे मंत्री खुद अपने परिवार के साथ या अपने परिचितों के साथ इस फिल्म को देखने गए हैं, ऐसी तस्वीरें भी आई हैं। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कुछ दिन पहले गए हुए थे अपने पूरे स्टाफ के साथ, उन्होंने पिक्चर देखी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने परिवार के साथ फिल्में देखी। कई राज्यों के लोग अपने मंत्रिमंडल को लेकर भी गए हैं। तो जब ये सारा आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों के साथ में जो जिस तरह से तकलीफ हुई है उनको, जिस तरह से उनको खदेड़ा गया कश्मीर से, उस वक्त कांग्रेस का शासन था, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पर सवाल उठना लाजमी है। क्योंकि अगर ये सब चल रहा था, तो उसके बीच में कांग्रेस के नेताओं ने क्यों नहीं स्वर मुखर किए, क्यों नहीं वो कश्मीरी पंडितों के हित की, उनके हक की बात किए? तो आज जब भाजपा की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में है, कई राज्यों में है, तो ऐसे में निश्चित रूप से निशाना कांग्रेस पर ही साधा जाता है। ये अलग बात है कि आज विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि केवल कटसी मीटिंग है, जो टैक्स फ्री की गई फिल्म को, उसका हम धन्यवाद देने आए हैं, जीत की मुबारकबाद देने आए हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस बारे में भी चर्चा होगी कि इस फिल्म का जो राजनीतिक मायने हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की ओर से, बॉलीवुड के कुछ एक धड़े की ओर से, उसको लेकर भी बातचीत होगी। और जैसा कि ये भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म की एक वेब सीरीज़ भी आने वाली है, तो उस वेब सीरीज़ को किस तरह से लाना है, क्या होना है, कुछ चर्चा इस पर भी संभावित है प्रीति। जी बिल्कुल, और ये इस बात का भी एक तरह से उदाहरण ही है संजय, कि खुद बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है आजकल योगी आदित्यनाथ का। 25 मार्च को उनका शपथ ग्रहण भी होना है, उससे पहले वो गोरखपुर में भी काफ़ी समय बिता रहे हैं। इसके बावजूद कश्मीर फाइल्स की टीम को भी उन्होंने आज समय दिया है। कितनी देर में है मुलाकात? देखिए, 4:20 तक यहाँ राजभवन में उनका वक्त है और राजभवन से जो ये रास्ता जा रहा है ना, टीम अभी थोड़ी देर में प्रीति यहाँ से निकलेगी और यहाँ से बमुश्किल 3 मिनट लगेंगे उनको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो आवास है 5 कालीदास मार्ग, वहाँ तक पहुँचने में। और मुख्यमंत्री के साथ जो वक्त तय हुआ है वो 4:30 से है। माना जा रहा है कि लगभग आधे घंटे ये टीम पूरी वहाँ पर रहेगी, उनके साथ में मुख्यमंत्री और उनके साथ के जो मुख्यमंत्री के सचिवालय के अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। चर्चा होगी दोनों के बीच में लंबी। और धन्यवाद वाली बात बार बार मैं कह रहा हूँ कि टैक्स फ्री की गई उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 24 करोड़ की आबादी है और कहा जाए तो यहाँ इस फिल्म को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला है, लोगों ने सिनेमा हॉल में इस फिल्म को देखा है। और अब तस्वीरें आने लगी हैं, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही हैं कि भीतर से ये टीम बाहर आने को है। देखिए, सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट हो गई है और
गाड़ियां भी जो गेट है उसका उस पर लग रही हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि अब ये मुलाकात जो है वो समाप्त होने को है और अब ये टीम यहाँ से निकलेगी और सीधे यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ जाएगी। लेकिन अभी जैसा राजभवन के जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनका इशारा था कि टीम अभी बाहर नहीं आ रही है, तो मान के चले बहुत ही जल्द ये टीम जो कश्मीर फाइल्स की हो बाहर निकलेगी और यहाँ से सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के यहाँ पहुँचेगी, जहाँ लगभग 4:30 बजे से वक्त मुख्यमंत्री ने दिया हुआ है। तो अब बस इंतज़ार किया जा रहा है कि कब कश्मीर फाइल्स की जो टीम है वो राजभवन से बाहर निकल के आए और आगे की ओर अपने आगे के जो कार्यक्रम है, आगे के जो शेड्यूल है उसकी ओर बढ़ेगी। प्रीति जी बिल्कुल, और जैसे ही ये टीम बाहर निकलेगी संजय, हम आपका रुख एक बार फिर करेंगे क्योंकि वहाँ अंदर जाने से पहले आनंदीबेन पटेल से मुलाकात से पहले भी जब आपने बात की फिल्म के कलाकारों से, निर्देशक से, तो उनका यही कहना था कि सिनेमा जो होता है वो किसी भी देश की सॉफ्ट पावर भी कहा जाता है। लेकिन उसी के मद्देनजर इस फिल्म को काफी अहमियत भी दी जा रही है। शाम 4:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे कश्मीर फाइल्स की पूरी टीम और आधे घंटे का समय मिला है उन्हें योगी आदित्यनाथ के साथ। फिलहाल 20 मिनट की मुलाकात चल रही है राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ। और उत्तर प्रदेश में पहले ही इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया था, लोगों ने खूब सराहा है इस फिल्म को। इस फिल्म में जिस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिला है एक्टर्स का, उसे भी खूब सराहना मिली है, लोगों का ढेरों प्यार मिल रहा है। और साथ ही काफ़ी सारे बीजेपी शासित राज्यों में ये फिल्म पहले ही टैक्स फ्री कर दी गई है। तो कश्मीर फाइल फिल्म की जो पूरी टीम है आज उत्तर प्रदेश में पहुंची हुई है, अब से कुछ ही देर में योगी आदित्यनाथ के साथ उनकी मुलाकात है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।